दोस्तों, आज का वीडियो काफी स्पेशल होने वाला है। इसमें हम भारत के सबसे पॉपुलर दो सीएनजी मिनी ट्रक्स का बैक टू बैक ट्रायल करने वाले हैं। इसमें हमें पता लगेगी प्रैक्टिकल कंडीशंस में आपको कितनी फ्यूल एवरेज देती हैं, क्या माइलेज देते हैं, कितना इनकी किलोमीटर रेंज। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट महेंद्र सिंह। हमारे पास आज मौजूद है हाल ही में लॉन्च की गई टाटा एस गोल्ड सीएनजी प्लस एवं मारुति सुजुकी सुपर कैरी सीएनजी। एस गोल्ड सीएनजी प्लस हाल ही में लॉन्च की गई है कुछ एक्स्ट्रा सीएनजी टैंक कैपेसिटी के साथ में, और इसके मुकाबले सुपर कैरी में ये बाइक टेक्नोलॉजी वाली गाड़ी है जिसमें सीएनजी भी है और एक एडिशनल 5 लीटर का पेट्रोल टैंक भी दिया गया है। दोनों ही गाड़ियों में हमने 20-20 लीटर के मिनरल वाटर वाली बॉटल्स डाल दी हैं, 50-50 बॉटल्स डाली हैं, लगभग 1000 किलो लोड दोनों गाड़ियों में डाल दिया है प्रैक्टिकल कंडीशंस को रेप्लिकेट करने के लिए। इन दोनों गाड़ियों को हम अभी सीएनजी टॉपअप इसी पंप के ऊपर करेंगे। एस के अंदर सिर्फ सीएनजी टॉपअप करेंगे, सुपर कैरी के अंदर हम सीएनजी प्लस पेट्रोल दोनों टॉपअप कर देंगे। इन दोनों गाड़ियों को हम दिन भर चलाएंगे। हमने रूट चुना है, आज का हम गुड़गांव में मौजूद हैं, हमने इसके लिए रूट चुना है एनसीआर के बाहर बाहर घूमता हुआ केएमपी एक्सप्रेसवे, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे। गाड़ियां लगातार पूरे दिन भर चलेंगी। जहां पे गाड़ी में सीएनजी खत्म होगा या सीएनजी प्लस पेट्रोल दोनों चीज़ें खत्म हो जाएंगी, वहीं पर हमारे पास टो वैन अवेलेबल है, गाड़ी को टोचन करके नियरेस्ट सीएनजी पंप तक लाया जाएगा, दोबारा से रिफिल किया जाएगा। जो गैप आएगा कितना केजी सीएनजी रिफिल हुई या कितना केजी सीएनजी प्लस पेट्रोल रिफिल हुआ, उससे हमें पता लगेगा कि गाड़ी की एक्चुअल माइलेज गाड़ी ने कितनी दी है, प्लस जहां पे गाड़ी रुकेगी यहां से स्टार्ट होने के बाद में, वहां पे हमें पता लगेगा कि गाड़ी की एक्चुअल रेंज भी कितनी है। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, बने रहिएगा इस पूरे वीडियो में हमारे साथ। दोस्तों, दोनों गाड़ियों में हम इस सीएनजी पंप के ऊपर रिफिल करने वाले हैं, टॉप अप करने वाले हैं। उससे पहले हम दोनों गाड़ियों की मीटर रीडिंग भी जीरो कर देते हैं, ताकि पूरे दिन भर चलने के बाद जहां पे गैस खत्म होगी वहां पे हमें पता लग जाएगा टोटल किलोमीटर गाड़ी ने कितने निकाले हैं। दोस्तों, वी आर ऑल सेट। दोनों गाड़ियों में हमने टैंक फुल करवा दिए हैं। अब दोनों गाड़ियां अपनी फुल कैपेसिटी पे टॉप अप हैं। गाड़ियों को देखते हैं कितनी किलोमीटर ये टोटल बिना रुके निकालती हैं। दोस्तों, दिल्ली जयपुर हाईवे होते हुए हम पचगांव के पास से केएमपी एक्सप्रेसवे पे चढ़ चुके हैं। अभी हम पलवल की ओर जा रहे हैं, और कुल मिला के रिंग रोड जो कि दिल्ली एनसीआर के चारों तरफ से बाहर बाहर से घूमता है 270 किलोमीटर का है। दोस्तों, हमने एक ब्रेक ले लिया है, मौसम बढ़िया हो गया था इसलिए लगभग 150 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं सुबह से, तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं 10-15 मिनट का। ड्राइवर्स भी हमारे थक चुके हैं, हम भी बिल्कुल स्टैटिक बैठे बैठे थोड़ा सा टायर्डनेस हो गया था, तो लेट अस टेक अ ब्रेक, उसके बाद दोबारा कंटिन्यू करेंगे। आज का ये जो बैक टू बैक ट्रायल है, लगभग हमें उम्मीद है कि 300 से 400 किलोमीटर खींचने वाला है। राहत की बात यह है कि आज मौसम बड़ा अच्छा बना हुआ है, ज्यादा गर्मी नहीं है आज, और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है ये मुकाबला और भी रोमांचक होता जा रहा है। अब देखना यह है कि किस गाड़ी में पहले सीएनजी खत्म होती है। दोस्तों, मुकाबला एकदम बराबरी का रहे इसलिए हमने ट्रायल के शुरुआत पे ही धर्मकांटे पे दोनों गाड़ियों का वजन करवा लिया था। सुपर कैरी क्योंकि फुल डाला है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वजन है, इसलिए इसमें से हमने 13 बॉटल्स को निकाल के अपनी टो वैन में रख लिया था। अब जो आप पूरा पूरा ट्रायल देख रहे हैं, ये 20.5 क्विंटल लगभग दोनों गाड़ियों का वजन है, खाली गाड़ी एवं लोड के साथ। दोस्तों, पहली गाड़ी की सीएनजी खत्म हो चुकी है, सुपर कैरी सीएनजी 218 किलोमीटर हम सुबह से चल चुके हैं। कहीं ना कहीं ब्रेक ना दबाना, एक रेगुलर स्पीड पे चलना, हम 60-65 की निरंतर स्पीड पे पूरे 218 किलोमीटर हमने निकाले हैं। अब ये गाड़ी स्विच हो चुकी है पेट्रोल के ऊपर, ऑटोमेटिक स्विचिंग है इसके अंदर। अब देखते हैं पेट्रोल जो टॉपअप हमने सुबह करवाया था, 5.25 लीटर के आसपास डला था इसमें, बिल्कुल ऊपर तक भर दिया था जब तक तेल गिरे ना। इसमें देखते हैं कितना चलती है, जहां पे रुकेगी उसके बाद में जो हमारी टो वैन है उस पर हम रस्सी से बांध के इसको आगे नियरेस्ट सीएनजी पंप तक ले जाएंगे। दोस्तों, इसी बहाने आइए दोनों ड्राइवर से भी बात कर लेते हैं। सज्जन जी हमारे ए सीएनजी प्लस चला रहे हैं और दर्शन जी सुपर कैरी सीएनजी चला रहे हैं। दर्शन जी, सीएनजी तो खत्म हो गया, क्या उम्मीद है पेट्रोल पे और कितना किलोमीटर निकालेगी? पेट्रोल पे सर 60-70 किलोमीटर निकाल देगी। सज्जन जी, कितना और चलाओगे खत्म होने से पहले तक? डंडे थे सर, एक डंडा गिर गए हैं और 150 डंडा बचे हैं। कितना चलाओगे? 150 किलोमीटर और चलेगा सर।
150 किलोमीटर और चलना चाहिए। 150 खींच लोगे? हाँ सर। पक्का? पक्का सर। लग तो नहीं रहा? चल जाएगा सर। खींच लोगे? हाँ सर। फाइनल ये जीतेगी या वो पेट्रोल प्लस सीएनजी में? नहीं, ये जीतेगा सर। पक्का है? शर्त है? चलो। एक बार फिर से हमने सफर शुरू कर दिया है। मारुति सुपर कैरी में सीएनजी खत्म होने के बाद पेट्रोल पे स्विच हो चुकी है। ये सीएनजी प्लस भी 229 किलोमीटर चल चुकी है। शाम के 5:30 बज चुके हैं। तो सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और अब शाम से रात भी हो चुकी है। दोनों गाड़ियां निरंतर चलती जा रही है। आप लोगों की तरह मैं भी बड़ा उत्सुक हूँ, बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि कौन सी गाड़ी कितना देती है। दोस्तों, फाइनली पहली गाड़ी ने दम तोड़ दिया है। सुपर कैरी का पेट्रोल ख़त्म हो चुका है। हम पहुंचे हैं केएमपी पे समवेयर अराउंड ताउडू और अब इसको टो करने की तैयारी करनी पड़ेगी अपने को। जो टाटा ए सीएनजी प्लस है वो हमने रुकवा ली है। पहले इसको टो करेंगे, इसको एक्सप्रेसवे से उतारेंगे, नियरेस्ट सीएनजी पंप पे ले जाएंगे और उसके बाद में अपनी दूसरी गाड़ी को कंटिन्यू करेंगे। गाड़ी का सीएनजी पहले ख़त्म हो गया था 218 किलोमीटर पे, अब इसका पेट्रोल भी ख़त्म हो गया है। दोस्तों, हमने गाड़ी को टो करने के लिए रस्सा बांध दिया है सुपर कैरी के आगे और इस पिकअप के पीछे। अब चलते जाएंगे, धीरे धीरे दोनों गाड़ियों को चलाएंगे। कोशिश करेंगे कि इस सीएनजी प्लस जो है उसको भी साथ साथ ले जाएं, ज़्यादा गैप ना बनाएं, क्योंकि रात का टाइम है, खाली एक्सप्रेसवे है और 5-6 लोग हम लोग एक साथ इस पूरे ट्रायल के लिए लगे हुए हैं। लेट अस सी, अभी शायद 1-1.5 घंटा और लगेगा एक्सप्रेसवे पे। उसके बाद में कहीं पे उतरते हैं, या तो सोना वाले कट पे उतरेंगे पलवल वाले पे, या पीछे की ओर लगभग 40 किलोमीटर पीछे मानेसर का कट है। टो वैन मारुति सुपर कैरी को सावधानी से टो करती हुई आगे बढ़ रही है और दोस्तों ए सीएनजी प्लस अपने नाम को सही साबित करते हुए अभी भी चलती जा रही है। दोस्तों, आसपास कोई सीएनजी पंप नहीं है, इसलिए टो वैन मारुति सुपर कैरी को नियरेस्ट पेट्रोल पंप तक ले आई है। इसमें हम पेट्रोल भरा के इसे आगे ले जाएंगे और टो वैन अब इस सीएनजी प्लस के साथ साथ चलेगी। दोस्तों, रात के 12:30 बज चुके हैं। 464 किलोमीटर इस सीएनजी प्लस चल चुकी है। पिछले 12-13 किलोमीटर से ये ब्लिंक करने लग गई थी। अब हम केएमपी एक्सप्रेसवे से नीचे उतर चुके हैं। यही देखे कि ब्लिंक करने ऑलरेडी गाड़ी लग चुकी है, तो क्यों ना एक्सप्रेसवे से नीचे उतर जाया जाए, नॉर्मल हाईवे पे चलते हैं। गुड़गांव की तरफ हम मुड़ चुके हैं और उम्मीद है 12-13 किलोमीटर से ब्लिंक कर रही है, अगले 2-4 किलोमीटर गाड़ी शायद और खींचेगी एट मैक्स। तो लगभग 16-16.5 घंटे की ये नॉन स्टॉप हमने बैक टू बैक ट्रायल की है। देखते हैं और कितना आगे खींचती है। 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, दोनों गाड़ियों को हम पंप पे ले जाएंगे, सीएनजी पंप पे ले जाएंगे, टॉपअप करेंगे, पता लगेगा कितना केजी का टॉपअप हुआ और उससे हम आपको गाड़ी की एग्जैक्ट लाइव माइलेज भी बता पाएंगे। दोस्तों, फाइनली इस सीएनजी प्लस ने दम तोड़ा है 467 किलोमीटर 700 मीटर के ऊपर। टो वैन हमारे आगे आगे चल रही थी, टो वैन आ पहुंची है, इसको फटाफट हम टो करेंगे, पंप पे जाएंगे, रिफिल करेंगे, फाइनल एनालिसिस करके और जल्दी से सोएंगे। दोस्तों, अब वक्त आ गया है इस 17 घंटे लंबे बैक टू बैक ट्रायल के रिजल्ट्स बताने का। इस सीएनजी पंप पे हमने दोनों गाड़ियों को टॉपअप करवाया है। सुपर कैरी के अंदर
10.4 केजी सीएनजी आई है, 684 रुपए की इसके अंदर सीएनजी रिफिल हुई है और 530 रुपए का इसके अंदर पेट्रोल डला है। टोटल 1214 रुपए के अंदर इस गाड़ी का टॉपअप हुआ है। तो सुपर कैरी चली थी 315 किलोमीटर, पहले 218 किलोमीटर सीएनजी के ऊपर और ऊपर के 97 किलोमीटर पेट्रोल के ऊपर चली थी। तो अगर आप इस 1214 रुपए के अंदर 315 किलोमीटर चले हैं, इसका मतलब है सुपर कैरी सीएनजी का रनिंग कॉस्ट पर किलोमीटर आता है 3.85 रुपए। इस सीएनजी प्लस के अंदर कितना आया, आइए वो भी नजर डाल लेते हैं। दोस्तों इस सीएनजी प्लस को हमने टॉपअप करवाया, इसके अंदर 16.3 किलो गैस आई है एम्प्टी से टॉपअप कंडीशन में। 1074 रुपए की हमने गैस भरवाई, तो इसका मतलब है 1074 रुपए के अंदर ये गाड़ी चली है 468 किलोमीटर, मतलब इसका सीएनजी रनिंग कॉस्ट पर किलोमीटर है मात्र 2.29 रुपए। तो दोस्तों ओवरऑल रिजल्ट की अगर बात करें तो 315 किलोमीटर रेंज वर्सेस 468 किलोमीटर रेंज, 153 किलोमीटर की रेंज एडवांटेज आपको इस गोल्ड सीएनजी प्लस के अंदर मिल जाती है। वहीं अगर रनिंग कॉस्ट की बात करें तो 1.56 रुपए का पर किलोमीटर का एडवांटेज आपको इस सीएनजी प्लस के अंदर मिल जाता है। ये प्रॉपर बैक टू बैक ट्रायल था, लगभग 17-17.5 घंटे चला है, हमें काफी मजा आया, उम्मीद है आपको भी उतना ही मजा आया होगा। वी हैड अ गुड टाइम मेकिंग द शो, होप यू हैड अ गुड टाइम वॉचिंग। और हाँ, अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द फिर मिलेंगे किसी और नए कमर्शियल व्हीकल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगला वीडियो कौन सा देखना पसंद करेंगे ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।